देखिए दोस्तों, गाड़ी तो बहुत दिक्कत होके लगाए, गाड़ी को गली में घुसाए गाड़ी को किसी तरह। अब देखिए गाड़ी तो खाली हो रहा है दोस्तों, अभी दिन के 11 बज चुके हैं और इधर देखिए गाड़ी हमारा खाली हो चुका है। ये देखिए यही जेसीबी से खाली हुआ और ये देखिए पूरा माल भींग गया। अभी डाला वगैरह इसमें लगा रहा है, लगेगा चोट। दोस्तों अभी दिन के 2 बज चुके हैं और हमारा लोडिंग कन्फर्म हो गया लोकल का। देखिए दोस्तों अभी हम लोग गोविंदपुर रोड से आगे बाएं मार रहे हैं, तो देखिए एकदम सिंगल रोड है, मतलब गांव का रास्ता, तो अब इसी में जाना हम लोग का मजबूरी हो रहा है। ये गांव का रास्ता है, आराम आराम से पार करते हैं, नहीं तो गांव वाला का पिटाई बहुत ज़्यादा होता है, कहीं कुछ गलती कीजिएगा तो। रोज रोज मटन चिकन ठीक नहीं है क्या रोहित? नहीं तो पेट खराब हो जाता है, गैस बना देता है। चलो ठीक है, 2-3 दिन सब्जी खाओ फिर प्रोग्राम बनाएंगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों अभी सुबह के 10 बज चुके हैं और पिछला ब्लॉग में आप लोगों ने देखा था कि हम लोग फैक्ट्री पहुंच चुके थे गिरिडीह में, लेकिन कल दिन भर हम लोग खड़ा रहे, लेकिन हम लोग का गाड़ी खाली नहीं हुआ। अनलोडिंग पॉइंट कितना ही बड़ा है, देखिए चारों तरफ गाड़ी खाली होता है। देखिए इधर कोयला गाड़ी खाली हो रहा है, इधर देखिए 2 टेलर खाली हो रहा है, तो लग रहा है ये 2 गाड़ी खाली होने के बाद ही हमारा नंबर आएगा। तो चलिए ठीक है दोस्तों, रात में गाड़ी खाली हो जाता है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा बारिश होने लगा था, इसके वजह से ऑपरेटर लोग गाड़ी खड़ा किया और चला गया था। तो चलिए अभी चलते हैं और जैसे ही हम लोग को बुलावा आ जाएगा फिर गाड़ी लगाना पड़ेगा जहाँ पे खाली होगा, और खाना पीना भी बनाना है क्योंकि समय ज़्यादा हो जा रहा है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं खाना पीना बना लेते हैं। देखिए दोस्तों सुबह का 9 बज चुका है और हम लोग का चावल इधर बन के रेडी हो गया और इधर आलू का भुंजिया काट के रेडी कर लिए हैं, इधर दाल मैंने चढ़ा दी है, दाल हो जाएगा उसके बाद भुंजिया भूंजेंगे उसके बाद। अब रात में तो बहुत ज़्यादा बारिश हुआ था, लेकिन अभी मौसम ठीक ठाक है, हो सकता है संभावना लगता है बारिश होने का है, लेकिन हम लोग का गाड़ी रात में अनलोडिंग नहीं हुआ, लेकिन लग रहा है अनलोडिंग हो जाएगा। उसके बाद खाना वाना खा के अनलोडिंग होगा, पेपर पर मिलेगा, उसके बाद हम लोग यहाँ से गेट से बाहर जाएंगे, उसके बाद पता कहीं के चलेगा, उसके बाद लोड करेंगे, नहीं तो फिर देखा जाएगा 1-2 दिन। चलिए ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों हम लोग का खाना तो रेडी हो चुका है, अब जा रहे हैं निकालने के लिए। चावल है, रोहित का बहुत जल्दी भूख लग गया, कल खाया था 2 बजे, आज खा रहा है, सूत के उठा है 8 बजे, खा रहा है 10 बजे। देखिए दोस्तों सुबह के 10 बज चुके हैं और खाना उना निकल गया है, खाना उना खा ले रहे जल्दी है। चलिए खाना उना खाते हैं, खाना खा के रेडी रहेंगे तो अच्छा रहेगा क्योंकि कोयला गाड़ी खाली हो रहा है, उसके बाद हो सकता है अपना भी नंबर आ जाए। तो दाल भात और आलू का भुंजिया बन गया था, लेकिन रोहित भाई इसमें हल्दी नहीं डाले हैं आलू का भुंजिया में, बोलता हल्दी से अच्छा नहीं रहता है। तो चलिए ठीक है दोस्तों खाते हैं। ठीक है दोस्तों अब जा रहे हैं खाने के लिए, उधर पंकज भैया रोहित खा रहा है, इधर हम भी खाने जा रहे हैं। खाना तो अपने हाथ से बना देते बढ़िया लगता है, तो कैसनो भी बना दीजिएगा, मक्खी रोटी खाइए लेकिन बढ़िया भी लगता है। चलिए ठीक है दोस्तों खाते हैं। देखिए दोस्तों अभी सुबह के 11 बज चुका है और अभी देखिए हम लोग गाड़ी उधर लगा हुआ है, देखिए यहाँ जिसे भी लगा हुआ है, यहाँ खाली कर रहा है तो वहीं बगल में दोनों माइक खाली होगा, ये कोयला हटाएगा थोड़ा सा तभी गाड़ी हम लोग का घुस पाएगा, क्योंकि गली है 7-8 फीट का गली है, तो उसमें गाड़ी घुसाना है किसी तरह। तो चलिए ठीक है दोस्तों दिखाएंगे आपको गली में कैसे गाड़ी घुसेगा। ठीक है दोस्तों अभी देखते हैं जिसे भी वाला क्या करते हैं, हटा रहे हैं अभी सब कुछ। देखिए दोस्तों गाड़ी तो बहुत दिक्कत होके लगाए, गाड़ी को गली में घुसाएं गाड़ी को किसी तरह। अब देखिए गाड़ी तो खाली हो रहा है, चलिए खाली तो हो जाए बढ़िया है, ताकि अभी तक माल हम लोग को मिला नहीं है, देखिए क्या होता है डिस्कशन, अभी जब तक लिए नहीं है। अरे जेसीबी वाला भैया अभी गाड़ी खाली कर रहा है, ये जेसीबी तो हम लोग का गाड़ी का अंदर घुसेगा तभी माल निकल पाएगा, नहीं तो नहीं निकल पाएगा। और विकास भाई उधर चला गया, देखिए अब हम इधर खाली करवा लेते हैं, उसके बाद हम गोड़ हाथ से धोएंगे, पंकज भैया गाड़ी में है। तो ठीक है दोस्तों गाड़ी खाली करवा लेते हैं। दोस्तों अभी दिन के 11 बज चुके हैं और इधर देखिए गाड़ी हमारा खाली हो चुका है, ये देखिए यही जेसीबी से खाली हुआ और ये देखिए पूरा माल भींग गया, अभी डाला वगैरह इसमें लोग लगा रहा है, लगेगा चोट नहीं लग रहा यहाँ पे, तो चलो कोई बात नहीं आगे लेकर लगा लेते हैं क्योंकि ये पूरा हाइट हो जा रहा है दोस्तों, इसी वजह से नहीं लग पा रहा है। तो चलिए अभी चलते हैं और काटा वगैरह करवाते हैं, फिर रिसीविंग लेके फिर रिसीविंग भी जमा करना पड़ेगा। चलिए काटा बाबू के पास आप चलो, तो चलो हाथ पूरा गंदा कर लिया, हाथ धो लो, चलिए ना आगे लगा लेंगे। दोस्तों अभी दिन के 11:30 बज चुके हैं और अपना गाड़ी का काटा करा के बगल में खड़ा किए हैं
तो रोहित भाई और विकास भाई गए हाथ धोने के लिए, और पानी भी लेकर आना है क्योंकि बर्तन जो खाना खाए तो गंदा हो गया है। और भी कांटा वाला बाबू बोला है कि 10 मिनट के बाद आप लोग को रिसीविंग देते हैं। तो चलिए ठीक है दोस्तों, रोहित और विकास भाई को आने देते हैं, थोड़ा बर्तन वगैरह भी साफ करके रख लेंगे तो बढ़िया रहेगा, फिर यहाँ से निकलेंगे तो जो अभी कांटा बाबू जो रिसीविंग देगा वो हम लोग को ऑफिस में ले जाकर जमा करना पड़ेगा, तभी जो हमारा कुछ जो पैसा बच गया भाड़ा का वो हमारा अकाउंट में डालेगा। देखिए दोस्तों, दोपहर का एक बज चुका है और हम लोग का गाड़ी भी खाली हो गया और कांटा भी हो गया, रिसीविंग भी हम लोग को मिल गया है। तो हम लोग का 35 टन कुछ माल था, तो 4 क्विंटल माल, 4 क्विंटल 60 kg माल घट गया है। तो चलिए, डोनोमाइट है, दिक्कत तो नहीं होना चाहिए, डोनोमाइट में ऑटोमेटिक पानी रहता है, वो पानी ही उतना चू जाता है तो माल शॉर्ट करवे करेगा। तो चलिए निकलते हैं, रिसीविंग उसीविंग मिल गया है। देखिए दोस्तों, अभी तो गाड़ी खाली करके निकले हैं, देखिए यहाँ पे तो गिरिडीह में तो बहुत कंपनी है लेकिन यहाँ रोड नहीं है, देख सकते हैं इतना बड़ा बड़ा गड्ढा कर दिया है। अरे कम से कम रोड तो नहीं बना रहे, इनका मट्टी तो भर देना चाहिए। ये हाल है जो पत्थल गांव वाला हाल करके रखा है। पत्थल गांव तो इससे भी ज़्यादा है, लेकिन ये गिरिडीह का पत्थल गांव का दूसरा टू कॉपी है। चलिए आप देखते हैं कितना बड़ा बड़ा गड्ढा, देखिए आप उधर से हम लोग तो लोड गाड़ी आए तो बहुत दिक्कत हुआ था, देखिए कितना बड़ा बड़ा गड्ढा है। रोड नहीं है लेकिन मतलब फैक्ट्री खोल दिया है, जो किसी तरह गाड़ी वाला आए अपना पट्टा उट्टा तोड़ के अपना समझे। दोस्तों अभी दिन के 2 बज चुके हैं और हमारा लोडिंग कन्फर्म हो गया लोकल का, क्योंकि गिरिडीह से बोकारो लगभग 150 किलोमीटर पड़ता है। तो अभी जा रहे हैं, बगल में जगदीशपुर पड़ता है, यहाँ से 40 किलोमीटर है, तो आगे जाके हम लोग लेफ्ट लेंगे, फिर वहाँ से जाएंगे गांडे और गांडे से जाएंगे जगदीशपुर। तो जगदीशपुर जो है वो गंगाबाद के बगल में पड़ता है, चोपा मोड़ के बगल में, वहाँ से देवघर मुश्किल से 30-40 किलोमीटर बगल में है। तो चलिए अभी जगदीशपुर चलते हैं और वहाँ से अपना रेलवे का स्लीपर लोड होगा बोकारो स्टील प्लांट के लिए। तो चलिए चलते हैं, फिर उधर से अपना रांची या बोकारो से कहीं का माल लोड कर लेंगे, और यहाँ से खाली गाड़ी जाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा डीजल चला जाएगा। तो अपना लोकल भाड़ा मिल गया 600 रुपये टन का, तो लोड कर लेते हैं, फिर अपना जो है खाली करते रहेंगे। देखिए दोस्तों, अभी हम लोग गोविंदपुर रोड से आगे बाएँ मार रहे हैं, तो देखिए एकदम सिंगल रोड है, मतलब गाँव का रास्ता, तो अब इसी में जाना हम लोग का मजबूरी हो रहा है, क्योंकि गिरिडीह सिटी होके जाते हैं लेकिन वहाँ नो एंट्री लगा हुआ है। तो चलिए कोई बात नहीं, गिरिडीह सिटी से नहीं जाके हम लोग इधर से जा रहे हैं, तो हम लोग को 2 बेनिफिट है, पहला कि आज के डेट में हम लोग का लोडिंग पकड़ा जाएगा, और दूसरा वहाँ पे नगर पालिका लग जाता है देवघर में, 180 रुपये का प्लस एक टोल प्लाजा लग जाता है। तो चलिए वो दोनों बचत है और समय का भी बचत है, तो ये शॉर्टकट रास्ता है एकदम सिंगल गाड़ी जाने भर का। तो चलिए अभी चलते हैं 15 किलोमीटर फिर जाएंगे, फिर चौड़ा रोड हम लोग को मिल जाएगा। तो वैसे बड़ा गाड़ी इसमें नहीं चलता है, छोटा छोटा ही गाड़ी ज़्यादा चलता है। तो चलिए, ये गांव का रास्ता है, आराम आराम से पार करते हैं, नहीं तो गांव वाला का पिटाई बहुत ज़्यादा होता है, कहीं कुछ गलती कीजिएगा तो। देखिए दोस्तों, हम लोग पूरा गांव में आ चुके हैं, इधर देख सकते हैं कितना ही अच्छा धान का खेती हो रहा है, और ये देखिए मट्टी का घर, खपरेला घर। तो पहले हम लोग का भी मट्टी का घर था, लेकिन हमारे दादा और दादी जी लोग पहले मट्टी वाला घर में रहता था, फिर बाद में हम लोग बिल्डिंग बनाए। तो मट्टी वाला घर में बहुत अच्छा रहता है, खासकर गर्मी के समय में, गर्मी के समय में इतना ठंडी लगेगा ना खपरेला घर में कि कहना नहीं भाई। इस बार बारिश भी बहुत अच्छा हुआ झारखंड में, इधर देख सकते हैं गांव देहात का माहौल ऐसा ही रहता है। तो चलिए, पहली बार गांव में गाड़ी लेके जा रहे हैं हम लोग, इतना बड़ा गाड़ी वो भी गाँव में घुसा दिए हैं, क्योंकि ये गाड़ी और जा रहा है बेचारा, वो भी धीरे धीरे जा रहा है। चलिए अभी चलते हैं आगे, इधर पूरा धान और मक्के का ज़्यादा खेती हो रहा है इधर। देखिए इधर दाहिने साइड में देख सकते हैं पूरा मकई तैयार हो गया, मुश्किल से लगता है 15 दिन 1 महीने के अंदर में पूरा हम लोग को मकई खाने के लिए मिल जाएगा। तो चलिए अभी चलते हैं गांडे से, फिर दाहिना लेके हम लोग जगदीशपुर जाएंगे। इस बार धान का फसल होने का कारण था कि बारिश बहुत अच्छा हुआ झारखंड में, इसलिए झारखंड का जो किसान है बहुत ही खुशहाल है इस बार, क्योंकि मकई का भी देख रहे हैं पैदावार अच्छा हुआ, धान का भी। तो चलिए अच्छा है, धान और मकई होगा तो चावल वावल भी सस्ता मिलेगा। दोस्तों भी 3:22 हो चुके हैं और अभी देखिए गाड़ी खड़ा किए हैं सब्जी लेने के लिए। देखिए इधर रोहित भाई, इधर विकास भाई, दोनों आ गए हैं। क्या वो सब्जी नहीं ले रहे अभी तक? टमाटर लिए, मिर्चा, सब्जी में काले सो है, कुछ भी सब्जी ले लेना भाई, क्या दिक्कत है? भिंडी है, पटल है, इधर बैंगन है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, सब्जी ले रहे हैं, उसके बाद फिर निकलते हैं थोड़ा।
देखिए दोस्तों अभी शाम के 5 बज चुके हैं और गाड़ी देखिए मेन रोड में जहाँ से गाड़ी घुसेगा वहीं पे गाड़ी ब्रेक डाउन हो गया है, देख सकते हैं। अब हम लोगों को फैक्ट्री में जाना है, देखिए वो बगल है फैक्ट्री है, स्टेशन का बगल में फैक्ट्री है। तो चलिए अब वो डीजल लाने के लिए गया है, तो डीजल लाएगा फिर ईयर छोड़ाएगा फिर वहाँ जाएगा। तो चलिए डीजल उसका कम हो गया है, कहीं कि चढ़ाया नहीं थोड़ा, उसी में इसको ईयर ले लिया। तो चलिए ठीक है दोस्तों, अब गाड़ी का इंतज़ार करते हैं कितना खन डीजल ला के गाड़ी की ईयर छुटा के गाड़ी यहाँ लगाएगा तब हम लोग घुसेंगे, क्योंकि डिवाइडर है बगल में। देखिए दोस्तों अभी गाड़ी का तो जाम छूट चुका है, देखिए अभी पंकज भैया गाड़ी ला रहे हैं और हम लोग फैक्ट्री का बगल में खड़ा है, इधर विकास भाई खड़ा है। देखिए वो हाइवा वाला पीछे था, उसके बाद हम लोग था, तो देखिए गाड़ियाँ ला रहे हैं। देखिए दोस्तों हम लोग फैक्ट्री के बगल में गाड़ी लगा दी है, जा रहे एंट्री करने के लिए। आरसी कार्ड लेके बोले हैं, गार्ड साहब बोला आरसी कार्ड लेके आइए, उसके बाद एंट्री करते हैं, उसके बाद देखते हैं कितना देर के बाद लोड होगा, चाहे कल होगा चाहे आज होगा। ठीक है जा रहे हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों अभी रात के 8 बज चुके हैं और अभी तक हम लोग का गाड़ी घुसा नहीं। वहाँ पे गार्ड साहब को पूछे तो बोला कल आपका गाड़ी लोड होगा, आज नहीं होगा। तो ये चलते हम लोग खाना वाना बना रहे हैं, देख रहे इधर आटा सान के रखे हैं, इधर देखिए भिंडी आलू को भून दिए हैं, अब जा रहे लहसुन और प्याज को डालने के लिए। तो चलिए डालते हैं, मिर्चा को डाल देंगे, उसके बाद जो है प्याज को लास्ट में डाल देंगे। और विकास भाई का थोड़ा तबीयत ठीक नहीं है, क्योंकि उसको वोमिटिंग हो रहा है, क्या यानी क्या हुआ है, क्योंकि नीचे में सोया हुआ है। अच्छा, तो वोमिटिंग हो रहा है तो दवा हुआ उसका प्याज लेना पड़ेगा लग रहा है। ये बनाते हैं खाना। देखिए दोस्तों इधर प्याज और लहसुन और मिर्चा भुंजा चुका है, अब जा रहे इसको फिर डाल दे रहे हैं, क्योंकि अब इसका साथ ही भुंजाएगा एक थोड़ा, उसके बाद मसाला डाल देंगे। तो इधर सब्जी हो चुका है, अब चलेंगे रोटी बनाने के लिए। अभी सब्जी को कंप्लीट कर लेते हैं बढ़िया से थोड़ा, इधर हम रोटी बना रहे हैं, क्या आज विकास भाई का तबीयत खराब हो गया, यही चलता आज हमको रोटी बनाना पड़ रहा है। तो चलिए रोटी बनाते हैं, खाना वाना बना के काफ़ी के यहीं सूतेंगे, ताकि आज तो लोड नहीं होगा, कल ही होगा। और भी हम लोग का बोकारो का माल है, तो चलिए बनाते हैं। देखिए दोस्तों अभी रात का 9:30 बज चुका है और हम लोग का खाना निकल चुका है। मेरा कुछ मैंने प्रॉब्लम हो गया था, मैं आटा गूथा रख दिया, मेरा कुछ प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए हम जाके बगल में लेट गए थे। माथा दर्द कर रहा था, चक्कर जैसा लग रहा था और बोमेटी भी हो गया था, हम लेट गए जाके साड़ में। रोहित भाई बनाया सब्जी भिंडी का रोटी, जा रहे हैं खाने के लिए। खाने का तो मन नहीं कर रहा है, दो रोटी हम खाएंगे, कहीं नहीं खाइएगा रात भर तब ठीक नहीं लगेगा, ये खा लेते हैं। इधर पंकज भैया खाना भी निकला है, इधर रोहित भाई खा रहा है। चलिए दोस्तों अब खाना खाते हैं, निकास भाई का तो तबीयत खराब हो गया है, तो खाना वाना हम ही बना दिए, ऐसा होते रहता है भाई बराबर, क्या कीजिएगा। अब चलिए खाते हैं, सब्जी तो निकला हुआ है, इधर देखिए रोटी है अपना, तो यही सब खाना ठीक है का रोहित? रोज रोज मटन चिकन ठीक नहीं है का रोहित? नहीं तो पेट खराब हो जाता है, गैस बना देता है। हाँ तो चलो ठीक है, अभी 2-3 दिन सब्जी खा फिर प्रोग्राम बनाएंगे। दोस्तों भी रात के 10 बज चुके हैं और हमारा खाना पीना हो चुका है। तो दोस्तों गाड़ी तो हम लोग खींच के लेकर आ गए थे शाम को 4 बजे ही, लेकिन हमारा बैड लक था कि गाड़ी लोड नहीं हुआ, और अब जो है गाड़ी कल लोड होगा, और कल लोड होगा तो कल रात में पेपर मिलेगा, तो मतलब एक दिन हम लोग का पूरा बर्बाद हो गया। मतलब जिस मकसद से गाड़ी खींच के लेकर आए थे वो मकसद नहीं पूरा हो पाया। तो चलिए गाड़ी घोड़ा लेन का यही दशा है, कर भी क्या सकते हैं भाई, क्योंकि गाड़ी घोड़ा लेन में ये फिक्स नहीं रहता है कि आप गाड़ी लेकर जाइएगा फैक्ट्री में तो लोड होगा ही होगा, ऐसा कुछ नहीं है। कभी कभी गाड़ी भी मार खाता है, क्योंकि ट्रांसपोर्टिंग लाइन जो है पूरा गड़बड़ा गया है, चरमरा गया है, कोई वैल्यू नहीं है। अगर लोड होने का रहेगा तो होगा, नहीं होगा तो कोई देखने कोई सुनवाई नहीं है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, आप लोगों को नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ से गाड़ी लोड करके अपना बोकारो के लिए निकलेंगे, फिर बोकारो में खाली करके लॉन्ग ट्रिप का माल भरेंगे। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पेंट करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय हिंद, जय भारत, रिस्पेक्ट ड्राइवर।